हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। देख लो, आज मैं 5 बजे उठ गया हूँ। अभी अभी सुबह ही हुई है समझ लो, और उठ भी गया। हालांकि मैं जल्दी तो सुबह उठता नहीं हूँ, और आज पता नहीं कैसे नींद खुल गई है। और 5 बजे हमारे यहाँ ऐसा सीन होता है, ये देखो। अभी तो बिल्कुल आसमान क्लियर, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और जब सुबह उठ ही गया हूँ तो चलो इसका फ़ायदा उठा लिया जाए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ और टहल लेता हूँ छत पे। नाश्ता करके तो भाई मैं रेडी हूँ, कब का ही कर लिया था। और क्या हो रहा है देखो, आपको दिखाता हूँ। घर में फिलहाल तो है नहीं कोई, मम्मी पापा गए हैं डॉक्टर से मिलने। क्या है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, काम है जो छत पे मैंने कुछ किया था वो दिखा रहा हूँ। धूप तो थोड़ी थोड़ी निकल रही है। ये देखो, देख रहे हो, ये है धनिया। आज मैंने बहुत दिनों से सोच रहा था धनिया बो दूँ, इसमें ये खाली पड़ा था पूरा, आज बो दिया। और आज ठेकेदार भी आया था, इसलिए उसको बुलाए थे कि ये देखो यहाँ पर कुछ रिपेयरिंग का काम करवाया था। यहाँ से पानी लीक करता था जो नीचे सीधा रूम में जाता था, इसका रिपेयरिंग किया है। थोड़ा बहुत और काम करवाया था मैंने, सीढ़ी पे भी थोड़ा सा, ये वाला फाइनल हो चुका है। देख लो, आपको दिखा दे रहा हूँ, ये गया बाहर ऐसे, ये थोड़ा बहुत हुआ था। यही सब काम में मैं सुबह से बिजी था। अभी गया है ठेकेदार, बोला है कल आने को मिस्त्री वगैरह लेकर आएगा, कुछ और बाथरूम का काम करवाना है, वो भी दिखा रहा हूँ आपको। बाथरूम जो था मेरे यहाँ वो दूसरे साइड पे था, जो कि किसी रीजन के वजह से उसको वहाँ से हटाकर दूसरे यहाँ किया हूँ, ये देखो। और ये फाइनल अभी तक नहीं हुआ है, उस वाले दीवार को और इस वाले दीवार में और इधर वाले में इसको फाइनल करवा कर टाइल्स वगैरह लगवाऊंगा। टाइल्स लगवाने के बाद ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बाथरूम था पहले दूसरे जगह पे, और दूसरे जगह पे था ही, और वो सही जगह नहीं था, जिस कारण से उसको हटवा कर यहाँ करवाया हूँ। और कुछ कुछ और बेसिंग्स वगैरह लगाने हैं, सिंक वगैरह, ये देखो, इसे यहाँ पर इस वाले दीवार में फिट करना है। अभी ऐसे ही रखा हुआ है, मिस्त्री ही धोखा दे रहा है यार बार बार। मिस्त्री कल उसको और बुलाए हैं, कल कुछ काम करवाते हैं यार, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठेकेदार को भी बोला है कल टाइल्स वाले मिस्त्री को और प्लम्बर वाले को लेकर आए, अगर आता है तो आप लोग को भी दिखाऊंगा मैं क्या काम करवाने वाला हूँ। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग्स में, और आप लोग बताओ यार कैसा ब्लॉग्स लग रहा है, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने राय कमेंट में ज़रूर बताओ कैसे मैं इम्प्रूव करूँ खुद को। डॉक्टर से मिलकर आ गई है दोस्तों,
दिखाता हूँ अभी वो क्या कर रही है और क्या बोला है डॉक्टर ने, बता रहा हूँ आपको। देखो सो रही है, अभी सो रही है, खाना पीना खा कर सो गई है, थोड़ा आराम करेगी, उसके बाद उठेगी तो चाय वाय मिलेगा, बनाएंगे। डॉक्टर ने बोला है यही कि सब कुछ ठीक है, थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। या हूँ दोस्तों, मम्मी तो बनाई नहीं, पापा बनाए हैं, मम्मी अभी भी सो ही रही है, गई है, बोल रही है थक गए हैं, और ये काम तो छूट ही गया था, क्या है वो दिखा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, ये भैया को कुछ गिफ्ट्स मिले थे जहाँ पे वो काम करता है वहाँ, उसमें ये भी था एक, उसी में वो धनिया दिया हुआ था, तो थोड़े सा इसमें भी डाल दिया हूँ थोड़ा, और ये भी साथ में ही दिया था, और बाकी का ऊपर वाले में डाला था, इसीलिए ये मिट्टी निकाला हूँ, देख लो, इस मिट्टी का इस्तेमाल भी उसी में करूँगा। इस वाले को मिट्टी देकर कवर करना होगा, वरना तो ये होगा क्या कि सारा का सारा बीज को चिड़िया और गिलहरी चट कर जाएगी, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो थोड़ा मिट्टी डालकर इसको कवर कर देता हूँ, कवर कर दिया इसे, अब ये सुरक्षित है, अब इंतज़ार है, आई होप कि निकल आए पौधा। उसे कवर कर दिया हूँ यार, और थोड़ी देर में पानी भी उसमें डाल दूँगा, और मेन पर्पस ये था इस बीज को बोने का कि इतने दिनों से रखा हुआ था, फेंकने में ठीक नहीं लगता है यार, फेंकने से क्या ही फ़ायदा होगा, तो सोचा लाओ इसे, खाली पॉट भी था तो उस पॉट में डाल भी दिया। इससे फ़ायदा ये है कि इस्तेमाल में भी आ जाएगा, अगर हो जाता है पौधे निकल आते हैं तो एटलीस्ट फ्रेश धनिया तो खाने को तो मिलेगा। खीर का प्लान है दोस्त, ये सब देख लो, ये खीर तैयार कर दी है मम्मी, जब खाने को मिलेगा तो विशेष और आपको दिखाऊंगा। रात के 10:30 हो गए हैं गाइस, खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद मुझे नींद भी बहुत तेज वाली आ रही है, खाना खाऊंगा सीधे सो जाऊंगा, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।